इतना अच्छा तैराक था, कैसे वो डूब गया लोग खुद नहीं विश्वास कर पा रहे। और इनकी पत्नी जो है कमरे में चली गई और 200 लोग थे, 200 लोगों ने घटना करके वो लोग भाग गए और हमें शक है उन लोगों ने हत्या किया। डूबने से वो मर ही नहीं सकता, वो डूबने से किसी प्रकार से आदमी एक्सीडेंट हो जाए वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन डूबने से वो नहीं मर सकता। जिसे तैरना आता था स्विमिंग पूल में कैसे डूबा? लखनऊ में एक इंजीनियर की मौत का सस्पेंस। रिसोर्ट में गया था दोस्तों के साथ छुट्टी मनाने, स्विमिंग पूल में डूबी मिली इंजीनियर की लाश। दोस्त और परिवार लगा रहे हैं हत्या का इल्जाम। तस्वीरों में हंसता मुस्कुराता इंजीनियर प्रतीक तिवारी अब हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो चुका है। परिवार और दोस्तों के साथ इसी मुकुंद महादेव रॉयल्स रिसोर्ट में प्रतीक तिवारी छुट्टी मनाने गया था, लेकिन स्विमिंग पूल में इसकी लाश मिली। बताया गया कि स्विमिंग पूल में डूबने से उसकी मौत हुई है। प्रतीक तिवारी जी अपने परिवार और मित्रों के साथ संडे मनाने गए थे और वहाँ पार्टी कर रहे थे और बाद में उनकी जो है दुर्घटनावश स्विमिंग पूल में उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के परिजनों द्वारा जो सूचना दी गई, सूचना के आधार पर तत्काल पंचायतनामा भर करके इसको पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद अन्य विधिक कार्रवाई की जाएगी। लेकिन प्रतीक की मौत की जो वजह बताई गई है, घरवाले और प्रतीक के दोस्तों को कतई इस बात पर यकीन नहीं है कि जिसे अच्छी खासी तैराकी आती थी वो भला थोड़े से पानी में स्विमिंग पूल में डूब कर कैसे मर सकता है। पिता तो हत्या का शक भी जता रहे हैं। बता रहे हैं कि नहाने गए थे और नहाने के बाद जो है ये लोग फैमिली सहित गए थे और इनकी पत्नी जो है कमरे में चली गई और 200 लोग थे, 200 लोगों ने घटना करके वो लोग भाग गए और हमें शक है उन लोगों ने हत्या किया है इन लोगों की। पुलिस ने आपको क्या बताया? पुलिस ने ये बताया कि डूबने से मृत्यु हुई। तो जो स्विमिंग जानते थे? स्विमिंग जानते थे, पूरी तरह स्विमिंग जानते थे। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं उस घटना की जांच हो, जो सत्यता है उसकी जो है जांच हो और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये मर्चरी में आज अभी तक वो मिलने नहीं आए, बताने नहीं आए कोई। ये कोई एक मानवता होती है कि हाँ घटना हुई तो 6 दोस्त गए एक साथ तो दूसरे को बचाना होता है कि भाग जाना होता है, उसे एक उसको बचाना चाहिए कि हाँ ये अगर घटना हुई तो वो बचाओ। प्रतीक के दोस्तों को भी इस बात पर यकीन नहीं है स्विमिंग पूल में डूबने से उसकी मौत हो सकती है। जाते थे तो पानी के अंदर ये तैर के यहाँ से लेकर दूर तक जाता था, वहाँ से दूर तक वापस आता था। हम लोग डरते थे, तुम पानी के अंदर तैर लेते हो, हम लोग तुम डूबो मत देना, हम लोग इस तरह थे, उससे डरते थे। जैसे गांव में गुड्डी मारते हैं। हाँ हाँ, पानी के अंदर जाएगा वो, काफी दूर तक जाके वहाँ निकलेगा, इस तरह वो तैरता था। आप लोग को मालूम चला डूबने से मौत? तो आप नहीं, हम असंभव असंभव डूबने से वो नहीं। दोस्त भी आया है, आप डूबने से वो मर ही नहीं सकता है। वो डूबने से किसी प्रकार से आदमी एक्सीडेंट हो जाए वो मैं मान सकता हूँ, लेकिन डूबने से वो नहीं मर सकता। जो कहा जा रहा है कि वो डूबने से खत्म हुआ है, उसको तो बहुत अच्छी स्विमिंग आती थी, मेरे साथ केदारनाथ गया था। चलते पानी में जो बंदा तैर करके वापस आ सकता है, वो जरा से इतने से पानी में कैसे डूब सकता है, यही चीज हम लोग को नहीं पच रही है। क्या लगता है हत्या? ये तो पता ही चलेगा, कार्रवाई करनी चाहिए पुलिस। ऐसा स्विमिंग पूल चुना गया जहाँ सीसीटीवी कैमरा है। हाँ ये मालूम है। हाँ, और ऐसा तो रिजॉर्ट को भी मतलब नहीं करना चाहिए ना, ये सब तो पॉलिसी में होता है कि वहाँ पर कैमरा होना चाहिए। हर जगह जगह कैमरे होते हैं लेकिन वहाँ नहीं, वहाँ पर कैमरा नहीं है जैसा कि बताया जा रहा है। अभी तक हम लोग वहाँ पर नहीं गए हैं। हमारे दोस्त के साथ ये होना नहीं चाहिए था, वो इतना अच्छा तैराक था, कैसे वो डूब गया हम लोग खुद नहीं विश्वास कर पा रहे। बहुत ही मिलनसार और बहुत बहुत अच्छा, नेचर का बहुत अच्छा था, किसी के साथ कोई दुश्मनी उसकी कुछ नहीं थी। कैसे क्या हो गया नहीं समझ में आ रहा, हम लोग खुद ही सोच ही नहीं पा रहे कि कैसे हमारा दोस्त चला गया। डूबने की बात कहाँ तक सत्य मानते हैं? पता नहीं है, बिल्कुल असंभव है, बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि हैरानी की एक और बात ये सामने आई है कि प्रतीक अपने परिवार और दोस्तों के साथ जिस रिसोर्ट में छुट्टी मनाने गया था वहां सीसीटीवी भी नहीं लगा है और जिन दोस्तों के साथ गया था उनका भी कोई सुराग नहीं मिल रहा है। तो सवाल ये है कि आखिर प्रतीक की मौत की असली वजह क्या है? पुलिस की जांच आगे बढ़ेगी तो मौत के रास्ते पर्दा उठेगा।